दशमेश पिता सरबंस राधी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी खदराणे की ढाब मुक्तसर की जंग जितने तो बाद माझे दे 40 सिंघां की टुट्टी गंढ के तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी पहुंचे तो आप जी ने पिता गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी आदि ग्रंथ पोथी परमेश्वर का थान विच दर्ज करन दा फैसला किया। पर करतारपुर निवासी धीरमल ने आदि ग्रंथ देण तो इनकार कर दिता अते नाल ही कबोल बोल के ये ताना भी मारिया कि जेकर गुरु गोबिंद सिंह अपने आप नूं एडा वड्डा गुरु अखवांदा है तां उह अपने वल्लों होर नवा ग्रंथ लिख लवे। जदों सिंघां द्वारा दशमेश पिता जी नूं इस गल दा पता लगा तां गुरु जी ने भाई मनी सिंह तों होर नवा ग्रंथ साहिब लिखवाउण दा फैसला कीता ते इस दी लिखवाई दमदमा साहिब विखे भाई मनी सिंह द्वारा होण करके अजोके समय इस नूं दमदमी बीड़ कहा जांदा है। जदों गुरु साहिब जी साबो की तलवंडी तों नंदेड़ विखे गए तां इसे ही दमदमी बीड़ नूं गुरता गद्दी प्रदान कीती जो कि नवंबर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दा गुरता गद्दी गुरपुरब आ रहा है। उस गुरपुरब नूं इह कविता समर्पित है ते कविता दा सरलेख है अंतम समय गुरु ग्रंथ दा हुक्म करके। पहुंच दम दमे खोलिया कमर कसा धर्म युद्ध तो वेहल जा मिल गया सी बगीचा सिखी दा लाया जो गुरु नानक खिड़दा खिड़दा ओ पूरी तरह खिड़ गया सी। दम दमे खोलिया कमर कसा धर्म युद्ध तो वेहल जा मिल गया सी बगीचा सिखी दा लाया जो गुरु नानक खिड़दा खिड़दा ओ पूरी तरह खिड़ गया सी। भाई डल्ले बंदूक जो तैयार कीती ओनू परखिया सी दतारे थे भाई मनी सिंह नाल गुरु महल पहुंचे शहर दिल्ली तो करने ददारे थे। डल्ले दी सेवा तो खुश हो के भाई डल्ले दी सेवा तो खुश हो के गुरा आख्या मंग लै जो शै लैनी डल्ले कहा परलोक विच सतगुरु जी पीड़ी जिन्नी था चरना विच दे देनी। सतगुरा डल्या जे थां चाहना कहा सतगुरा डल्या जे थां चाहना अमृत छक के ही था है मिल सकती डल्ले सोचिया ए सौदा नहीं कोई महंगा खुशी गुरां दी लईए जे मिल सकती।
सने परवारे ओ से अमृत दी दात लैके, सने परवार ओ से अमृत दी दात लैके, गुर चरना विच थां पक्की कर ली सी, पंजा प्यारिया जो लई सी सिर दे के, खाली झोली उस दात नाल भर लई सी। पिता गुरु तेग बहादुर जो लिखी बाणी, पिता गुरु तेग बहादुर जो लिखी बाणी, आदि ग्रंथ विच अजे तीकी आई नहीं सी, पल फुरसत दे मिले ना युद्ध कारण, इसे करके ही बाणी विच पाई नहीं सी। पंज सिंघां नूं भेज कहा सतगुरां ने, पंज सिंघां नूं भेज कहा सतगुरां ने, करतारपुरों जा आदि ग्रंथ लै आओ, नाल सतकार दे आखियो तीर मल नूं, दे दियो आदि ग्रंथ ना देर लाओ। करतारपुर पहुंच के पंज सिंघां उवें कीता, करतारपुर पहुंच के पंज सिंघां उवें कीता, जिवें हुक्म सी दसवें अवतार कीता, पर धीर मल दे कन्नी ना जू सर की, आदि ग्रंथ नू देणो इनकार कीता। तीर मल ने आखिया नहीं ग्रंथ देना, तीर मल ने आखिया नहीं ग्रंथ देना, असली वारस ही असी ता ग्रंथ दे हां, जे गुरु कहौंदा ग्रंथ होर लिख लाए, फड़ा मारदा असी गुरु पंथ दे हां। सिंघा वापसिया कहया दशमेश ताई, सिंघा वापसिया कहया दशमेश ताई, मनी सिंह तो ग्रंथ लिखाउण लग पै, जो कार्य अधूरा अजे रह गया सी, पिता गुरु दी बाणी चढ़ाउण लग पै। कीते चारे उतारे बाबा दीप सिंह ने, कीते चारे उतारे बाबा दीप सिंह ने, नंदेड़ जान लगे एक नाल लै गए, अंतम समय गुरु ग्रंथ है हुक्म दे के, आप सच खंड वालड़े रा पै गए।
ਇਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਚੋਲਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਚੋਲਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਚੋਲਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਚੋਲਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਵੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੇਡੇ ਖਾਵੇ, ਦਰ ਦਰ ਠੇਡੇ ਖਾਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਵੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੇਡੇ ਖਾਵੇ, ਦਰ ਦਰ ਠੇਡੇ ਖਾਵੇ। ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਾਲੀ, ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਝੋਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਾਲੀ, ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਝੋਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਤਾਈਓ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਤਾਈਓ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਦੌਲਤ ਪਿਆ ਲੁਟਾਵੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੇਡੇ ਖਾਵੇ, ਦਰ ਦਰ ਠੇਡੇ ਖਾਵੇ।
बचपन दे विच खेडण दे लई महंगे मिले जा सस्ते तुरंत खड़ौने खरीद ले आया ते वधिया सोने बसते बचपन दे विच खेडण दे लई महंगे मिले जा सस्ते तुरंत खड़ौने खरीद ले आया ते वधिया सोने बसते अंग्रेजी मीडियम उत्तम स्कूले अंग्रेजी मीडियम उत्तम स्कूले उसनू पढ़ने पावे पैरां उत्ते खड़ा करने लई दर दर ठेडे खावे दर दर ठेडे खावे जिन्नी ले सकदा सी दित्ती खुशी खुशी ना खिजया खर्च नू नजर अंदाज करदिया उच्च दर्जे दी विद्या जिन्नी ले सकदा सी दित्ती खुशी खुशी ना खिजया हर पल उस दे साही बिस्मे हर पल उस दे साही बिस्मे रब तत्तीवा ना लावे पैरां उत्ते खड़ा करन लई दर दर ठेडे खावे दर दर ठेडे खावे सफल होया ता मन मर्जी नाल सफल होया ता मन मर्जी नाल व्या उस दा होया नौराणी ने घर विच आके पुत्र प्यो तो खोया दर दर ठेडे खावे
दर दर ठेडे खावे। होश करो ऐ नौजवान पुत्रो, होश करो ऐ नौजवान पुत्रो, मां प्यो ना सताइए। कपुत दी था सपुत्र होके विच बुढ़ापे सेव कमाइए। होश करो ऐ नौजवान पुत्रो, मां प्यो ना सताइए। कपुत दी था सपुत्र होके बन सरबन सेव कमाइए। प्यो दा कर्ज पुत दे नहीं सकदा, प्यो दा कर्ज पुत दे नहीं सकदा, सच फतेहपुरी फरमावे। पैरां उत्ते खड़ा करन लई दर दर ठेडे खावे, दर दर ठेडे खावे। होश करो ऐ नौजवान पुत्रो, होश करो ऐ नौजवान पुत्रो, मां प्यो ना सताइए। कपुत दी था सपुत्र होके बन सरबन सेव कमाइए। होश करो ऐ नौजवान पुत्रो, मां प्यो ना सताइए। कपुत दी था सपुत्र होके बन सरबन सेव कमाइए। प्यो दा कर्ज पुत दे नहीं सकदा, प्यो दा कर्ज पुत दे नहीं सकदा, सच फतेहपुरी फरमावे। पैरां उत्ते खड़ा करन लई दर दर ठेडे खावे, दर दर ठेडे खावे। मां दी ममता प्यार पिता दा, मां दी ममता प्यार पिता दा, पुत्र किवें भुलावे। पैरां उत्ते खड़ा करन लई दर दर ठेडे खावे, दर दर ठेडे खावे, दर दर ठेडे खावे। ज्ञानी अजीत सिंह फतेहपुरी, भरम तोड़ शब्द जोड़ कवि, इस कविता राही अपना घर का पता मीडिया पंजाब टीवी वेख रहे दर्शकों को दस रहा है। सरवण करन दी कृपालता करो जी। ज्ञानी अजीत सिंह फतेहपुरी नाम कहिंदे, शब्द नाल जोड़दा। ज्ञानी अजीत सिंह फतेहपुरी नाम कहिंदे,
ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਡਾਕ ਘਰ ਖੁਰਦਪੁਰ ਹੈ ਆਦਮਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰਾ 86 ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਡਾਕ ਘਰ ਖੁਰਦਪੁਰ ਹੈ ਆਦਮਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰਾ 86 486 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਭਰਮ ਤੋੜ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀਤ ਰਾਮ ਤਖੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।